भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिन्हाना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, आओ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। करीब 700 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है। इसके अलावा मदरसे पर भी बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिल्ली के महरौली इलाके में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 4 बजे से शुरू किया गया और 700 साल पुरानी मस्जिद जिसे आखुजा मस्जिद और जिन्नात वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता था, अचानक कार्रवाई करके इस मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। पुलिस का भारी बंदोबस्त यहां पर लगाया गया था। मीडिया कर्मियों को भी काफ़ी दूर पर ही रोक दिया गया था। किसी को भी यहां जहां कार्रवाई की जा रही थी इस जगह तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। सुबह सुबह ये कार्रवाई की गई आज और मस्जिद जो थी उसे जमींदोज किया गया। सोकर जग गए हैं आप लोग? मेरा ख्याल है कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोजर चल रहा है महरौली में। शमसुद्दीन अल्तमश के जमाने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखुंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहां पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोजर पहुंच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मुसलमान सो रहा है, सोते रहिए। इस मस्जिद आखुंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मस्मार कर दिया गया है। पूरी यही आशिक अल्लाह के मजार के पास ये तमाम कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, और सूत्र बता रहे हैं कि आशिक अल्लाह के मजार को भी पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 6 घंटे गुजरने के बाद भी मीडिया को अंदर जाने की